का स्वर किसी नारी का प्रतीत हो रहा है, कहीं ये किसी की माया तो नहीं? किंतु ऋषिवर, ये किसके क्रंदन का स्वर है? हर क्रंदन के पीछे एक कहानी होती है राम, और उस कहानी को सुनना आवश्यक है जो कभी किसी के सुखमय जीवन की वास्तविकता थी। आज यह आश्रम जो उजाड़ है, निर्जन है, हरा भरा हुआ करता था। बड़े ही आदर के साथ लोग यहां पर सर झुकाए आते थे। ये केवल आश्रम ही नहीं, ऋषि गौतम और उनकी पत्नी का सुंदर संसार था ये। जिसके पत्ते पत्ते की देखभाल महर्षि की पत्नी महासती अहिल्या करती थी। देवी अहिल्या जितनी रूपमती थी उतना ही सतीत्व था उनमें। देवी अहिल्या के जीवन का केवल एक ही उद्देश्य था, अपने पति की सेवा। और वो अपने इस व्रत का पूरी निष्ठा और श्रद्धा से निर्वाहन करती थी। किंतु एक दिन देवराज इंद्र की कुदृष्टि अहिल्या पर पड़ी, और वो अहिल्या के दिव्य रूप को पाने के लिए ललायत हो बैठे। इंद्र ने चंद्रमा को अपने षड्यंत्र का साथी बनाया, और एक दिन ब्रह्म मुहूर्त होने से पूर्व कुकुट बनकर चंद्रमा ने बांग दी। महर्षि और अहिल्या को प्रतीत हुआ कि भोर हो गई है। अहिल्या, मैं स्नान हेतु प्रस्थान कर रहा हूं। जी स्वामी। शीघ्र लौट आए। आप आ रहे नहीं है, कौन हो तुम और यहां क्यों आए हो? अहिल्या, तुमने पर पुरुष को स्पर्श किया है। इस कुकर्म में सम्मिलित होने का दंड है। ये कलंक स्थायी रूप से तुम्हारे शरीर पर रहेगा, और यही कारण है कि चंद्रमा पर आज भी कलंक है। क्षमा, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी हमारी, जो हमने आपकी पत्नी को स्पर्श किया। हम आपका वचन देते हैं महर्षि, भविष्य में ऐसा दुसाहस कभी नहीं करेंगे, कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा भूल की जाते इंद्र, अपराध की नहीं। तुम कामना में अंध होकर इतने गिर गए, अपने पद से
अपने कर्तव्य से पतित हो गए, जिस कुदृष्टि से तुमने मेरी पत्नी की ओर देखा है, इस अपराध का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा इंद्र। महर्षि, क्षमा कर दीजिए। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जिस प्रकार तुमने मेरी पत्नी पर कुदृष्टि डाली है, उसके लिए तुम्हारे समस्त शरीर पर सहस्त्र नेत्र बन जाएंगे शीघ्र। तुम क्यों रो रही हो अहिल्या? आज यहाँ जो घटना घटी है इसमें तुम भी दोषी हो। तुम जैसी विश्वासघाती स्त्री को कदापि क्षमा नहीं मिलनी चाहिए, तुम्हें तो अवश्य दंड मिलेगा। किंतु स्वामी, इसमें मेरा क्या दोष? मैंने तो सदैव अपने पत्नी धर्म का पालन किया, कभी आपके साथ विश्वासघात नहीं किया। ये तो इस कुटिल इंद्र की माया थी, तो आपका रूप धर कर आया। एक स्त्री की छठी इंद्री से शीघ्र ज्ञात हो जाता है कि किसकी दृष्टि उचित है और किसकी नहीं। एक पाषाण की भांति तुम्हें अनुभव नहीं हुआ कि यह स्पर्श मेरा नहीं, इसी कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूं, इसी क्षण तुम पाषाण बन जाओ। ऐसा ना करें स्वामी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं स्वामी, मेरे साथ ऐसा अन्याय ना करें स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अहिल्या, दिया हुआ श्राप तुम्हें वापस नहीं ले सकता। अब तुम्हें श्राप से तभी मुक्ति प्राप्त होगी जब ऐसे पुरुष के चरण तुम्हें स्पर्श करें जिसका हृदय निस्वार्थ और निश्चल हो, जो प्रत्येक नारी को स्नेह और सम्मान की दृष्टि से देखता हो, कोई ऐसा जिसमें ना ही कोई अवगुण होगा और ना ही कोई विकार, कोई ऐसा जिसका मन द्वेष मुक्त हो, जिसके हृदय में ना ईर्ष्या हो, ना लोभ, ना अहंकार, ना कटुता। अहिल्या, उसी व्यक्ति के चरणों से तुम्हारा कल्याण होगा। ये क्रंदन के स्वर अहिल्या के हैं राम। जो प्रतीक्षा में है कि कब उसका मुक्ति दाता आकर उसे स्पर्श करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है राम कि अहिल्या के उद्धार करने के सभी गुण तुम में हैं। जिन गुणों का उल्लेख महर्षि गौतम ने किया था वो सब तुम्हारे व्यक्तित्व में है राम। अर्थात देवी अहिल्या का कल्याण तुम्हें ही करना होगा। अब ठीक है, पहले क्यों नहीं खा रही थी नंदिनी? नहीं खाओगी तो दुर्बल हो जाओगी। दीदी, कम से कम आज के दिन तो इस नंदिनी की चिंता छोड़ दीजिए। हाँ, और चलकर देखो, वहाँ आपके स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए एक से एक सुंदर बलशाली राजकुमार और महाराज पधार रहे हैं। और हाँ, उनमें से आपके मन को कोई भाए तो हमें भी बताएं। हाँ, परंतु देखो ना। देखा दीदी, नंदिनी भी यही कह रही है कि उसका पीछा छोड़ो और उसके पीछे जाओ जिसके साथ जीवन भर चलना है। हाँ? चलो 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 च
भद्रावती जाकर देखो स्वागत सामग्री के साथ सेविकाओं का दल मुख्य द्वार पर सज है या नहीं। जाओ जाओ तुरंत। सीता तुम यहाँ हो, सज नहीं हुई अब तक? और भोर से कलेवा किया या नहीं? जी काकी कर लिया। और दासी के हाथ से उपटन भिजवाया था वो लगाया या फिर? हाँ माँ वो भी लगा लिया। अब चलो ना दीदी। चलो 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 चलो। इन सब पाषाणों में से कोई एक अहिल्या है राम, स्मरण रहे। इस प्रकार अहिल्या अपने उद्धार को व्याकुल है, उसी प्रकार उसके कल्याण के लिए तुम्हारा मन भी आकुल है। और ये सिसकियां तुम्हें भ्रमित करेंगी राम, अपनी और अहिल्या की मन स्थिति को ध्यान में रख। यदि अपनी मन की आंखों से देखोगे तो पहचान पाओगे कि इन सब पाषाणों में से अहिल्या कौन है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें माता अहिल्या। यदि मैंने समस्त स्त्रियों में माँ को देखा है, यदि मेरे मन में कोई दोष नहीं, यदि मैंने अपना कर्म और धर्म पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाया है तो माता अहिल्या आप अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगी। दीदी उस सजीले राजकुमार को तो देखो, धनुष जिस भांति पकड़ा है स्पष्ट होता है कि महान योद्धा है। कदाचित आज यही शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएंगे। नहीं 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 वो वाला राजकुमार देखो दीदी, उसके आभूषण तो देखो कितने सुंदर कितने चमकीले हैं। दीदी इसे देखो कितना चौड़ा भाल है, आत्मविश्वास से भरा हुआ, यही चढ़ाएगा धनुष पर प्रत्यंचा। हाँ दीदी 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 पता नहीं किस सोच में खोई हुई है, अभी तक एक भी राजकुमार को दृष्टि उठाकर नहीं देखा मांडवी। मुझे लगता है दीदी जिसे चुनने वाली हैं उनसे उनकी पहले ही भेंट हो चुकी है। उनकी प्रतीक्षा में है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ना तो मैंने उन्हें देखा है ना ही उनसे भेंट हुई है, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है जब भी मैं उन्हें देखूंगी उन्हें पहचान जाऊंगी।